हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह मैं बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके आ गई हूँ, जो पिछले साल पूछे गए हैं वे सभी क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। एंड ये यूथ कंपटीशन का चैप्टर वाइज वीडियो है, यह चैप्टर 2 है, स्पोर्ट सोशियोलॉजी यानी खेल समाज शास्त्र से रिलेटेड यह दूसरा वीडियो है। एंड दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपी टीजीडी पीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, एमपी खेल शिक्षक भर्ती वर्ग 2-3 हो, चाहे केवीएस एनबीएस हो, अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट हो, तो दोस्तों बिहार यस स्टेट हो, तो बिहार यस स्टेट का जैसा कि आप फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। और दोस्तों, इसका जस्ट मैं जल्दी ही सिलेबस आपको सामने समक्ष प्रस्तुत करूंगी अगली वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए, क्योंकि बिहार या स्टेट में भी 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से रहेगा और 50 क्वेश्चन आपका अदर चीज़ों से रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज आदि चीज़ों से रहेगा। इसलिए पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा आपका। अगर 75 पे पासिंग मार्क है, अगर आपका 78 नंबर है नॉर्मलाइजेशन के बाद, 74.99 भी आ गया, तो आप फेल माने जाएंगे, क्योंकि आपका 75 पासिंग मार्क है तो आपका 80-85 लाना पड़ेगा, तभी आप पास हो पाएंगी। इसलिए पूरे सीधा से लग जाइए, मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, सभी चीज़ें मेरे चैनल पे अवेलेबल है, चाहे थ्योरी सेशन पढ़ना चाहते हो, चाहे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो चैप्टर वाइज, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे आप 100 से ज़्यादा वीडियोज हैं जो टॉप क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराई हूँ मैं। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, शिविर की सफलता सावधानी पूर्वक चयन पर निर्भर करती है। तो शिविर की जो सफलता है, किसके सावधानी पूर्वक चयन पर निर्भर करती है? तो दोस्तों, कर्मचारी के, जो उसमें कर्मचारी हैं उनकी सफलता पूर्वक चयन किया जाए, तभी शिविर की सफलता निर्भर करती है। यानी कर्मचारियों का सही और ठीक तरीके से कार्य करने में निपुण होना आवश्यक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संगठित शिविर प्रतिरूप है। तो दोस्तों, यह पश्चिमी उदाहरण है। जो भारत में शिविर है, भारत में संगठित शिविर का प्रारूप पश्चिमी देशों के शिविर प्रारूप से के उदाहरण के रूप में प्रतिरूप है, जो आज भारत में शिविर का मॉडल है, यह सर्वोत्तम माना जाता है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन का प्रकार है, एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। तो मनोरंजन का प्रकार है तो 2 प्रकार का है दोस्तों, सक्रिय मनोरंजन एंड असक्रिय मनोरंजन। ऑप्शन नंबर डी ए बी दोनों होगा। सक्रिय मनोरंजन जो है दोस्तों, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं, आंतरिक क्रियाएं, जैसे कि खाली समय का सदुपयोग करके व्यक्ति की प्रसन्नता और संतुष्टि की प्राप्ति। एक होता है बाह्य क्रियाएं, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो खेल के दौरान अंतराल में खेल से संबंधित कौशल को रोचक बनाकर मनोरंजनात्मकता को प्रदान करना होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि अभिकथन से रिलेटेड है। अभिकथन ये है कि कुछ इतिहासकार सिद्धांतों को उनके साक्ष्य की तुलना में जांच भी करते हैं और सामान्यीकरण के आधार के रूप में सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका सही है। एंड उसके तर्क आर क्या है, कि आर है कि सामान्यीकरण बृहत सांश्लेषिक कथन है जो कई साक्ष्यों के इतिहासकार के भाव को प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र किसका अध्ययन है? तो दोस्तों, समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। किसका है? समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, जैसे कि आपने कई बार पढ़ा ही होगा, समाजशास्त्र पढ़ते समय समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? तो मानव समाज का अध्ययन है, जैसा कि समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है।
परिभाषा में आप ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इसकी विषय वस्तु मौलिक रूप से सामाजिक है, अर्थात इसमें समाज, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संबंधों तथा अन्य सामाजिक पहलुओं एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा की समाजशास्त्रीय स्थापना की चर्चा करता है तो कौन करता है? दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे शरीर प्रकार मोटर अधिगम, तो शरीर प्रकार आपका हो जाएगा किनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, इन सब में, इसलिए ये तो रही होगा आपका समाज, शारीरिक शिक्षा की समाजशास्त्रीय स्थापना। यहाँ पे प्रतिस्पर्धा है, सहयोग, समाज में ही प्रतिस्पर्धा होता है, सहयोग होता है एंड समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? 3 और 4। 3 और 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, प्रतिस्पर्धा और सहयोग एंड समाजीकरण, समाजीकरण की प्रक्रिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है तो दोस्तों मौलिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत कौन सा है? तो संरचना एंड संघर्ष सिद्धांत। समाजशास्त्र में ही संरचना पाया जाता है, मौलिकता पाया जाता है एंड संघर्ष होता है। तो ए और डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए और डी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, संरचना एंड संघर्ष सिद्धांत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल समाजशास्त्र संभालता है तो दोस्तों खेल समाजशास्त्र की जहाँ बात आए वहाँ टीम जब चीज रहे तो आंख मूंद के लगाइए, व्यवहार की बात आए तो मनोविज्ञान में, ठीक है, मनोविज्ञान की बात आए तो व्यवहार, तो खेल समाजशास्त्र संभालता है। किसको संभालता है दोस्तों? तो यह संभालता है टीम के सामंजस्य को। किसको? टीम के सामंजस्य को संभालता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मनोरंजन के साधन है तो दोस्तों वाद विवाद, लोक नृत्य, खेल, ये सभी मनोरंजन के साधन हैं। जैसा कि दोस्तों मनोरंजनात्मक गतिविधि रचनात्मक होती है। कैसी होती है दोस्तों? रचनात्मक होती है। जो खाली समय बैठे हुए हैं, आपका मन जिसमें लगता है, जो जिसमें आपकी रुचि होती है उसको बहुत ही इत्मीनान से आप करते हैं, यानी कि एक रचनात्मक क्रिया है। इसका उद्देश्य फालतू समय को रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना है। मनोरंजन के निम्नलिखित साधन है, संगीत, गायन, वाद विवाद, नृत्य खेल, भ्रमण एंड मित्रता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मनोरंजन का मुख्य उद्देश्य है खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना। मनोरंजन का शाब्दिक अर्थ है इंग्लिश में रिक्रिएशन। मनोरंजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिक्रिएशन। री मतलब पुनः, क्रिएशन मतलब निर्माण करना, यानी कि पुनः निर्माण करना, खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना, आनंद का अनुभव करना, खाली समय के दौरान स्वेच्छा से व्यस्त रखना, प्राथमिक रूप से इसे आनंद प्राप्ति हेतु संतुष्टि के दौरान प्रेरित किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न क्रियाओं में से कौन सी मनोरंजन नहीं है? तो इन क्रियाओं में से मनोरंजन कौन नहीं है दोस्तों? तो टिकटें इकट्ठा करना, क्रिकेट खेलना, ताश खेलना, ये सभी मनोरंजन आएंगे, बट योगासन करना मनोरंजन में नहीं आएगा। यानी कि दोस्तों मनोरंजन में गतिविधि संबद्ध है जो व्यक्ति अपने खाली समय के दौरान करता है। मनोरंजन के मूल्यवान बनाने के लिए गतिविधियां शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप होती है, जैसे रस्साकसी, एथलेटिक्स, पिरामिड बनाना, क्रिकेट खेलना, टिकटें एकत्रित करना, कार्डों के खेल, मुखौटा बनाना, वाद विवाद, बहस, पुरातन वस्तुओं का संग्रह, छात्रों को निःशुल्क पढ़ाना आदि। जबकि योगाभ्यास वह साधन है जिससे हम अपनी गुप्त शक्तियों पर नियंत्रण कर पाते हैं। यह स्वयं को पूरी तरह जानने का एक साधन है। योग मनोरंजन नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बाल्यावस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हुए हैं सब बाल्यावस्था में व्यवहार को प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि बाल्यावस्था में व्यवहार को सर्वाधिक कौन प्रभावित करता है?
तो दोस्तों परिवार जो है बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। यहाँ पे साथी समुदाय, परिवार, विद्यालय तीनों दिया है, लेकिन तीनों प्रभावित करता है, बट सबसे ज्यादा परिवार प्रभावित करता है बाल्यावस्था में, क्योंकि बालक अधिक समय परिवार में ही रहता है। इसलिए परिवार का वातावरण बालक के मानसिक विकास और व्यवहार को काफी प्रभावित करता है। दुखद और कलहपूर्ण वातावरण की अपेक्षा सुखद और शांत वातावरण में मानसिक विकास अच्छा होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनोरंजन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो दोस्तों मनोरंजन सिद्धांत के प्रतिपादक G.T.W. पैट्रिक हैं तथा लॉर्ड केम्स थे। इसके अनुसार व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से थक जाने पर अपनी स्वेच्छा से खेलता है तथा पुनः स्वयं में नवीन ताजगी स्फूर्ति का संचार करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु सबसे आवश्यक कार्य क्या है। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में निःशुल्क शिक्षा कर देंगे, कि पर्याप्त छात्रवृत्ति देंगे, कि विस्तृत प्रचार करेंगे, कि समाज की जागरूकता, तो आपको समझ में आ गया होगा सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाज की जागरूकता। यदि शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना है तो सबसे आवश्यक कार्य है समाज की जागरूकता होना, यानी कि जागरूकता ही उपस्थिति समाज का आवश्यक तत्व है, क्योंकि इसके अभाव में सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं हो सकता। जागरूकता का अर्थ है किसी स्थिति के प्रति मानसिक चेतना, जनसंपर्क के माध्यम से सामान्य जनता के मन की विभिन्न प्रकार की शंकाओं का समाधान किया जा सकता है। समाज की जागरूकता व जनसंपर्क सारे शिक्षा के प्रचार के साधन हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कैंप के लिए जगह का चुनाव करते समय आप किस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों हमेशा जगह प्राकृतिक होना चाहिए और शहर से दूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। ठीक है, कैंप शहर से दूर एकांत व प्राकृतिक स्थान पर लगाया जाता है। एक ऐसा स्थान जहाँ लोग, छात्र, सेना की टुकड़ियाँ आदि एक निर्धारित समय तक तंबुओं या झोपड़ियों में रहें, उसे कैंप या शिविर कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शिविर के लिए भारत में अच्छा समय कब है। तो यह है सबसे बेस्ट समय बसंत ऋतु, यानी भारत में शिविर के लिए सबसे बेस्ट समय बसंत ऋतु होती है। शिविर विद्यार्थी जीवन में लोकतंत्रात्मक गुणों का विकास करने में एवं उनमें सामूहिक रूप से मिलजुल कर कार्य कराने का गुण पैदा करने वाली एक शानदार कला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिविर का अनुशासन होता है, तो दोस्तों शिविर का अनुशासन जो है थोड़ा हर चीज़ से कठोर होता है, यानी कि शिविर के सफल संचालन हेतु कुछ नियमों को बनाना अति आवश्यक होता है। इन्हीं नियमों द्वारा शिविर में अनुशासन कायम किया जाता है। शिविर का अनुशासन सदैव कठोर होता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता किस कारण होती है। तो दोस्तों आप जानते होंगे जो शरीर की संरचनात्मक भिन्नता होती है वह वंशानुक्रम के कारण होती है, बट जो हमारे जो गुण उत्पन्न होते हैं, कहते हैं कि शक्ति तो प्रदान करता है प्रकृति, लेकिन उसको विकसित करता है, उसको परिपोषण करता है नर्चर यानी इन्वायरमेंट यानी वातावरण। तो सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता किसके कारण होती है दोस्तों, तो सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता होती है पर्यावरणीय कारण के कारण। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि पर्सनालिटी यानी कि जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तिगत भिन्नता किसके कारण होती है, तो वहां पे बेस्ट ऑप्शन आपका रहता है वंशानुक्रमीय वातावरण के कारण। बट यहाँ पे व्यक्तित्व में आपका शारीरिक और सामाजिक विकास दोनों आता है, बट यहाँ पे खाली सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता की बात कहा है, इसलिए यहाँ पे पर्यावरणीय कारक के कारण आपका राइट होगा। कभी भी शरीर की संगठन के आधार पर दो लोगों की भिन्नता, दो से अधिक लोगों की भिन्नता की बात करें तो वहाँ पे वंशानुक्रम कारक होगा, बट जब सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता का कारण कहेगा तो यहाँ पे इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरणीय कारण के कारण ऐसा होता है। यानी कि पर्यावरणीय कारण के कारण
सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता होती है। पर्यावरणीय कारक प्राणी को चारों ओर से घेरे रहती है और अनुकूल अथवा प्रतिकूल दिशा में निरंतर उसके ऊपर प्रभाव डालती रहती है। पर्यावरणीय कारक में भौगोलिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक, सामाजिक आचार संहिता, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ आदि शामिल हैं। दोस्तों ये याद रखिएगा, जब भी शरीर संगठना की बात करें एक दूसरे की भिन्नता की, वंशानुक्रम कारक, जब उसके गुण धर्म विकास की बात करें, सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता की बात करें, तो पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट उसका कारण रहेगा। कि हर एक इन्वायरमेंट में पलने वाला बालक या पशु सबका आचरण व्यवहार संस्कृति जो है वह अलग अलग होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि घर से बाहर तंबू अथवा झोपड़ियों में रहने को क्या कहते हैं। सही आंसर आपने दे दिया होगा, शिविर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिविर, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां लोग, छात्र, सेना की टुकड़ी आदि एक निर्धारित समय तक तंबुओं अथवा झोपड़ियों अथवा घरों से बाहर वातावरण में एक साथ मिलकर रहें, उसे शिविर कहते हैं। शिविर के प्रकार में शैक्षिक शिविर, योग शिविर, किसी उद्देश्य के लिए शिविर लगाया जाता है। ऐसे ही थोड़ी जाके वहाँ पे रहना है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण के लिए शिविर, एनसीसी शिविर, एनएसएस शिविर, धार्मिक शिविर, सामाजिक शिविर, समर कैंप, बाल शिविर आदि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि YMCA क्लब, बालक स्काउट, बालिका गाइड्स किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी दोस्तों स्वयंसेवी के अंतर्गत आते हैं, जबकि NCC NSS वह शासकीय मनोरंजन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे स्वयंसेवी अभिकरण में YMCA, यूथ ऑर्गेनाइजेशन क्लब, बालक स्काउट, बालिका गाइड, कैंप फायर आदि हैं। ये अभिकरण सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, रचनात्मक कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिवारिक मनोरंजन है। तो दोस्तों परिवार में सब लोग इकट्ठा होते हैं और अपने अवकाश के छोड़ के खाली समय है तो उसका पूरा करने के लिए, अवकाश के समय को व्यतीत करने के लिए कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो पारिवारिक मनोरंजन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा कि ऐसे कार्यक्रम का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के छड़ों को व्यस्त रखने के लिए आयोजन किया जाता है उसे कहते हैं पारिवारिक मनोरंजन। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि जो है मनोरंजन के प्रकार में पारिवारिक मनोरंजन, व्यावसायिक मनोरंजन, सामुदायिक मनोरंजन, औपचारिक मनोरंजन, संस्थागत एंड औद्योगिक मनोरंजन, ये 6 प्रकार के मनोरंजन है। एंड दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो मनोरंजन गांवों, कस्बों और शहरों में रहने वाले के द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर आयोजित किया जाता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं सामुदायिक मनोरंजन। क्या कहते हैं? सामुदायिक मनोरंजन। यानी कि मनोरंजन की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि खाली समय के दौरान स्वयं स्वेच्छा से व्यस्त रखना, प्राथमिक रूप से इसे आनंद प्राप्ति हेतु संतुष्टि के दौरान प्रेरित करना है। ये 6 प्रकार के हैं, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, सामुदायिक मनोरंजन, औद्योगिक मनोरंजन, औपचारिक मनोरंजन, संस्थागत मनोरंजन, पारिवारिक मनोरंजन, व्यावसायिक मनोरंजन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है। तो प्रशिक्षित करना दोस्तों, मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है, तो वह होता है मनोरंजन। मनोरंजन का मतलब होता है मन को आनंदित करना, संतुष्टि एवं तरोताजा रखना। बिना मनोरंजन के जीवन निरर्थक है। मनोरंजन के आवश्यक लक्षण खाली समय, आनंददायक, संतुष्टि, स्वैच्छिक, रचनात्मक एवं समाज को स्वीकार होना, ये सभी इसके लक्षण हैं। एंड नेक्स्ट है वातावरण के भेद कौन से हैं। तो दोस्तों वातावरण दो प्रकार का होता है, भौगोलिक एंड सामाजिक वातावरण। कितने प्रकार का? भौगोलिक एंड सामाजिक वातावरण। इसको हम दो प्रकार से ऐसे वर्गीकृत कर सकते हैं, आंतरिक एंड बाह्य। आंतरिक में भौतिक वातावरण एंड बाह्य में सामाजिक वातावरण आ जाएगा। सामाजिक के अंतर्गत आर्थिक, सांस्कृतिक और मनो सामाजिक वातावरण, ये सभी आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक दूसरे के साथ मिलान करना है
यहाँ पे आपको देखना है सामुदायिक मनोरंजन, व्यावसायिक मनोरंजन, संस्थागत मनोरंजन, थेरापिटिक मनोरंजन यानी कि औपचारिक मनोरंजन जो चिकित्सा मनोरंजन होता है। तो यहाँ पे सामुदायिक मनोरंजन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ग्रामीण एंड शहरी आपका सामुदायिक मनोरंजन में हो जाएगा, ए का फोर हो जाएगा, ए का फोर हो जाएगा, ठीक है। एंड व्यावसायिक मनोरंजन में क्या आएगा दोस्तों, तो मनोरंजन पार्क जो होते हैं वो व्यवसाय के रूप में किया जाता है, प्रकार का मनोरंजन भी हो जाता है, तो बी का टू हो जाएगा। एंड संस्थागत मनोरंजन, तो स्कूल या कॉलेज क्या है, एक संस्था है, ठीक है, तो ये आपका संस्थागत मनोरंजन, सी का थ्री हो जाएगा। एंड थेरापेटिक मनोरंजन यानी उपचारात्मक मनोरंजन यानी चिकित्सा मनोरंजन, ये आपका कहाँ पे होता है, अस्पताल में, तो आपका अस्पताल हो जाएगा, डी का वन। इस प्रकार आंसर नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण का अर्थ है, क्या है दोस्तों वातावरण का अर्थ, वातावरण का अर्थ है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जैसे कि दोस्तों वातावरण की व्याख्या हम करें तो वास्तव वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण, जिसमें से परि का अर्थ है चारों ओर एंड आवरण का अर्थ है ढकने वाला। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ हुआ चारों ओर से ढके हुए या घेरे हुए। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वह उसका वातावरण है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बचपन में बच्चे का बर्ताव इससे सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो आप सही आंसर टिक कर दिए होंगे, वो है परिवार। बचपन में सबसे ज़्यादा व्यवहार बच्चे का किससे प्रभावित होता है, तो परिवार से, किससे प्रभावित होता है, परिवार से। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप इसका डिटेल थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि डिटेल में पढ़ने से आप बहुत बेहतर ढंग से उसको समझ सकते हैं। शैशवावस्था यानी इन्फेंसी में व्यक्ति का आचरण परिवार से अधिक प्रभावित होता है। बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड में व्यक्ति का आचरण साथी यानी ग्रुप टोली से प्रभावित होता है। व्यक्ति व समूह को प्रभावित करने वाली सबसे मुख्य संस्था परिवार ही है, या एक छोटा सा सामाजिक समूह होता है जिसे माता पिता, भाई बहन, अन्य सगे संबंधी होते हैं। बच्चे को सामाजिक बनाने में माता पिता पहले निर्णायक होते हैं, वे न केवल बच्चे के करीब होते हैं बल्कि सबसे गहरा रिश्ता उनके साथ होता है। माता पिता से वह भाषा बोलचाल सीखते हैं, उन्हें नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं, वे अपनों से बड़ों का आदर करना सीखते हैं, वे कई सामान्य अच्छाइयाँ सीखते हैं। परिवार से बच्चे को दूसरे के साथ देने, सहन शक्ति, आत्म बलिदान, प्यार, वात्सल्य का पाठ सीखने को मिलता है। परिवार के वातावरण का बच्चे के विकास पर बहुत असर पड़ता है। सामाजिक कारक की प्रक्रिया परिवार, सामाजिकरण जो प्रक्रिया होती है परिवार से ही शुरू होती है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मानव समूह के प्राथमिक समूह से संबंधित नहीं है दोस्तों, तो सहपाठी, परिवार, खेल टीम, ये सभी के समूह मानव समूह के प्राथमिक समूह से संबंधित हैं, बट गांव नहीं है, गांव नहीं है, क्योंकि गांव प्राथमिक मानव समूह संबंधित नहीं है, क्योंकि सहपाठी, खेल टीम, परिवार तीनों व्यक्तियों के आंतरिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए प्राथमिक समूह से संबंधित हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरों की उपस्थिति के कारण सकारात्मक प्रभाव को क्या कहा जाता है, तो दूसरों की उपस्थिति के कारण सकारात्मक प्रभाव को सामाजिक सम्मान देना बोला जाता है। यानी कि यदि प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी के विशेष लोगों से दर्शक दीर्घा में उपस्थित होते हैं तो खिलाड़ी के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं, जिससे खिलाड़ी के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सामाजिक सम्मान देना कहते हैं। एंड नेक्स्ट है जब एक व्यक्ति वर्तमान सामाजिक मानदंडों को अपनाने के लिए अपने व्यवहार अथवा अभिवृत्ति में बदलाव लाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अनुरूपता, यानी कि उसमें सामंजस्य बैठाना, ठीक है। जब एक व्यक्ति वर्तमान सामाजिक
मानदंडों को अपनाने से के लिए अपने व्यवहार और अभिवृत्ति में बदलाव लाता है तो उसे अनुरूपता कहते हैं। सामाजिक अनुरूपता का तात्पर्य है कि व्यक्ति सचेत रूप से किसी विशेष व्यवहार को स्वीकार करता है और उसी का पालन करने के लिए तैयार होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मानदंड हमेशा उसके दिमाग में मौजूद रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि जब समूह के सदस्य पहले से अस्तित्व में रखते हैं तथा आमने सामने वार्तालाप करते हैं और शारीरिक निकटता रखते हुए सुदृढ़ भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं, ऐसे समूह को क्या कहा जाता है? तो कई सारे आपको पॉजिटिव ऑप्शन मिल गए इसमें, शारीरिक निकटता, आमने सामने वार्तालाप, भावनात्मक जुड़ाव, ये किसमें होगा? ये सभी तो प्राथमिक समूह में होंगे। किसमें होंगे? प्राथमिक समूह में, यानी कि कई व्यक्तियों के सदस्य पहले से ही एक दूसरे के अस्तित्व में रहते हैं, आमने सामने बातचीत भी करते हैं, शारीरिक निकटता रखते हैं और मजबूत भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं, ये सभी तरह के क्या है? प्राथमिक समूह के कहते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चैप्टर वाइज सभी चीज़ें पूरा किया जाएगा, आप बस डेली बेसिस पे देखते रहिए, सभी कॉन्टेंट पूरा होगा। आई होप कि सभी चीज़ें आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, एंड इसी तरह वीडियो डेली बेसिस से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।